हेलो फ्रेंड्स, मैं शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेल्स पाल्सी के अंदर हम कौन सा करंट इस्तेमाल करते हैं, गैल्वेनिक करंट या फेरेडिक करंट। तो आज के वीडियो के डिस्कशन में हम एविडेंस बेस्ड डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि बेल्स पाल्सी में हमें कौन सा करंट यूज़ करना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, बेल्स पाल्सी एक लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है जिसमें हमारी फेशियल नर्व इफेक्ट होती है, और ये जो फेशियल नर्व है ये फेस की जिन जिन मसल्स को सप्लाई करती है वो मसल्स इस कंडीशन में पैरालाइज हो जाती है। तो जब ये मसल्स पैरालाइज हो जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं बेल्स पाल्सी। अब बात करते हैं बेल्स पाल्सी में अगर हमें चूज़ करने को मिले कि हमें कौन सा करंट चूज़ करना चाहिए गैल्वेनिक और फेरेडिक में से, तो दोस्तों हम चूज़ करेंगे गैल्वेनिक करंट को। गैल्वेनिक करंट क्या करता है, ये हमारी जो फेस की बल्क मसल्स हैं उनको प्रिजर्व करता है फर्दर एट्रोफी होने से, और जबकि ये हमारी मसल्स को एट्रोफी होने से बचाता है, प्रिवेंट करता है। दोस्तों, फेरेडिक करंट को हम बेल्स पाल्सी के अंदर कभी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि फेरेडिक करंट क्या करता है, आपके फेस के अंदर सेकेंडरी कॉन्ट्रेक्चर्स को प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि फेरेडिक करंट की मदद से आपको सेकेंडरी कॉन्ट्रेक्चर्स हो सकते हैं आपके फेस के अंदर। अब बात करते हैं ऐसा क्यों होता है। गैल्वेनिक करंट क्या करता है, डिनर्वेटेड मसल्स में हम प्योरली यूज़ करते हैं गैल्वेनिक करंट को। तो गैल्वेनिक करंट बेसिकली क्या करता है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की मदद से लोकल मसल्स को स्टिमुलेट किया जाता है। तो बेसिकली गैल्वेनिक करंट आपके मसल्स की फिजियोलॉजी को मेंटेन करने का काम करता है। फेरेडिक करंट क्या करता है, फेरेडिक करंट हायर इंटेंसिटी का होता है, और जो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज की, जिसकी वजह से होता क्या है कि ये हमारी मसल्स में टिटैनिक कॉन्ट्रेक्शंस को प्रोड्यूस करता है। और आप जानते हैं फेस की जो मसल्स होती है वो बहुत डेलिकेट होती है, सॉफ्ट होती है, जो कि इन टिटैनिक कॉन्ट्रेक्शंस को टॉलरेट नहीं कर सकती, जिसकी वजह से फेरेडिक करंट की वजह से आपको सेकेंडरी कॉन्ट्रेक्चर्स हो सकते हैं। दोस्तों, दूसरा अगर हम बात करें कि गैल्वेनिक करंट बेसिकली क्या करता है कि लॉन्ग पल्स ड्यूरेशन को जनरेट करता है, यानी कि जब आप गैल्वेनिक करंट को अप्लाई करते हैं तो ये लॉन्ग पल्स ड्यूरेशन को आपको प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपके फेस की मसल्स में ब्रिस्क ट्विचेस आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं डिनर्वेटेड कंडीशन के अंदर। दोस्तों, जब भी आप यूज़ करते हैं डिनर्वेटेड मसल्स के अंदर तो आप इस्तेमाल करते हैं गैल्वेनिक करंट का। तो गैल्वेनिक करंट बेसिकली लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, इस वजह से जो इसके ट्विचेस आती है वो ब्रिस्क ट्विचेस आपको देखने को मिलती है, जो कि डिनर्वेटेड मसल्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। जबकि अगर हम बात करें फेरेडिक करंट की, तो फेरेडिक करंट शॉर्ट ड्यूरेशन के इम्पल्स जनरेट करता है, जिसकी वजह से आपको टिटैनिक कॉन्ट्रेक्शंस देखने को मिलते हैं, जो कि डिनर्वेटेड मसल्स में बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि बेल्स पाल्सी के अंदर आपको गैल्वेनिक करंट क्यों यूज़ करना चाहिए, साथ ही आपको रीज़न बताया कि गैल्वेनिक करंट और फेरेडिक करंट में से आप क्यों गैल्वेनिक करंट को चूज़ करेंगे बेल्स पाल्सी के ट्रीटमेंट के ऊपर। दोस्तों, पहले भी हमने गैल्वेनिक और फेरेडिक करंट के डिफरेंस के ऊपर वीडियो बना रखी है, और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।